One thing is for sure, brother. You know, whatever भाभी cooks is always awesome. भाभी, आप जो पकाते हो ना, सौ रब दी, लंदन में मुझे कभी नहीं खाने को मिला. आपको एक प्रॉमिस करना पड़ेगा, मेरी वाइफ को सारी रेसिपीज देनी है आपने. अरे भाभी आप बैठो ना, मेड सर्व कर रही ना, बैठो मैं सर सर्व. बैठो बैठो, आप साथ में खाते हैं. अरे वो बाद में खा लेगी, उसको बाद में खाने की आदत है. हाँ भाई साहब, मैं आप दोनों के बाद खा लूंगी. आप लोग खाइए, तुम सर्व करो. ये तेरी आदत है ये सब ऐसे बोलने की, समझ गया, पुरानी आदत. चल ठीक है, आलू पाव. हाँ दाल यार, तू तो कम खाता, मैं तो खाऊंगा. तू भी पाओ. बेल बजी, तुझे बेल सुनाई नहीं पड़ती, जाके दरवाजा खोल. कमाल है, भाभी क्यों जाएगी, मेड को बोलो मेड खोल देगी ना. बेटा तू शांत रहे यार, अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है, मैं खोलने जाऊं दरवाजा क्या, जा. नहीं सुधर सकता यार, आदत बदल लिया. तू खा यार. हाँ हाँ चल, तो डाल मैं डाल थोड़ा. हाँ ये बात, वो ना बच्चे पड़ोस के हैं, बिना मात के बेल बजा के चले जाते हैं. इंडिया में तो ये होता है, कोई गाल नहीं है. तेरी माँ ने तुझे इतना भी नहीं सिखाया कि डाइनिंग टेबल पर कैसे खाना परसा जाता है. अब बुत बन के क्या खड़ी है, जाके कपड़ा लेकर आ और साफ कर. रुको रुको यार, कमाल है, इतना गिरा नहीं जितना तू शोर मचा रहा है. मैं साफ कर देता हूँ. तो मैं क्या जानती नहीं है यार. जानती नहीं का क्या मतलब है तेरा यार, इतना कुछ हुआ है जो तूने शोर मचा दिया यार. बदल अपनी आदत यार, इतना काम भाभी करते फिर भी ना तू लंदन में होता ना, आई वुड हैव शोन यू. क्या हुआ क्या, कोई नहीं, ये करते थे तो आप उसमें है क्या. चलो शक्ल मत देख, खा खत्म कर, शुरू कर. ओके अच्छा, आई लाइक रायता यार, रायता इज. भाभी मजा आ गया. अब नहीं, अब बस ग्रीन टी पीऊंगा. आप ग्रीन टी, मुझे अभी भी याद है, ग्रीन टी बनवा लेते. हाँ मैं अभी बना के तैयारी करूँ जी. बता काम कैसे चल रहा है. बढ़िया चल रहा है यार. आ रहे ग्रीन टी आ गई. वाह जी वाह, ये इंडियन मसालेदार खाने के बाद ग्रीन टी मिल जाए तो और क्या चाहिए. थैंक यू भाभी. भाई ये खाना भी डाइजेस्ट करती है. बकायदा जी डाइजेस्ट करती, इसलिए तो पी रहे. भाभी आपका कब का है, ले आओ ना साथ में, लाओ पीते बैठ के. लाओ लाओ, बाद में पी लेगी यार, सारा दिन तो कर रहती है. मुझे पता था ये यही बोलेगा, तू सुधरने वाला नहीं है. बैठो भाभी. भाभी एक चीज बतानी थी आपको. क्या दिखा रहा भाई. अरे पहले भाभी को बताएंगे. ये देखो, अब मैं इसको फ्रेम करके अपने वहां लंदन लगाऊंगा बड़ा सा. अरे तू ऐसे हंस रही है क्या उसमें. दिखाओ दिखाओ जी, इसको भी दिखाओ भाभी. लाओ लाओ दिखाओ. हाँ तो ये कौन सा सीक्रेट है देख. वो ये क्या है. हाँ वो थोड़ा प्रिंट उसका खराब है, पर कोई नहीं, लंदन जाके उसको ठीक ठाक करके बढ़िया सा बड़े फ्रेम में लगा दूंगा. और मैं प्रिंट की बात नहीं कर रहा हूँ. ये है क्या भाभी. लाओ इसका चश्मा ला के दो इसको. और इसको इतना नहीं दिख रहा कि वो RAT रैट है. रैट माने चूहा. चूहा यार, और क्या यार, हद करता तू. तो भाई ये चूहे के साथ फोटो क्यों खिंचवाई है तूने. वो वहाँ वो फोटो वो क्यों लगी हुई है तेरे दादाजी की. किसके साथ फोटो लगी हुई है. हाँ ओए ध्यान से देख. हाँ शेर के शिकार की फोटो है वो. ओए चूहे का शिकार आसान नहीं होता भाभी, बताओ कितना मुश्किल होता पकड़ना. शिकार तो शिकार ना, शिकार इज इक्वल टू शिकार. उन्होंने वो शिकार किया. अरे यू नो इट वाज सो टफ. चूहा पकड़ना कोई आसान है मारना. वो शेर है शेर. हाँ तो शेर की ताकत का पता है तुझे. अपने से ज्यादा ताकतवर को मारकर दादाजी ने शिकार किया है. अच्छा मर्दानगी वो है जो दूसरे की ताकत पर कंट्रोल कर उसका शिकार करने में. अच्छा और तूने मारा है चूहा, लोग हंसेंगे तुझ पर. ये भी कोई मर्दानगी है. तो लोग तो तुझ पर भी हंसेंगे यार. मुझ पर क्यों. वही तेरी मर्दानगी पर. मर्दानगी तो वो होती है ना जो अपने से ज्यादा दम वाले या ताकत वाले पे जोर दिखाने पे है ना. तो तू तो अपनी ताकत ये भाभी पे दिखाता है. ये ताकत में तेरे ज्यादा ताकतवर है. नहीं तेरी ताकत ज्यादा है तो तू अपना जोर इन पे दिखाता रहता, उसका क्या. तो दुनिया तेरे पे क्यों नहीं हंसेगी मुझे बता. हाँ असली मर्द है तू. पहले तू खाएगा बाद में वो खाएगी, ये आपकी मर्दानगी है. हाँ तेरे पे क्यों नहीं हंसेंगे लोग. हाँ बताएगा मुझे. कुदरत ने एक औरत को फ्री से थोड़ा कमजोर बनाया है. हाँ
तो तुम अपना जोर उस पर दिखाओगे। वो बिचारी इतनी सारी सैक्रिफाइसेस करती है, लेकिन नहीं, तुमने अपना जोर दिखाना है उस पर। इसीलिए ब्याह के लाया तुम। हाँ, पर मैंने क्या मैंने मैं जो बोल रहा हूं पहले आप ध्यान से सुन। तू हर बार टोका मत कर। तू मैं तेरी औरत नहीं, औरत के जैसे जैसे तू रोक लेगा बीच में, आज नहीं रुकूंगा, आज सुनना पड़ेगा तुझे। ये जो है ना, ये तुम्हारी इज्जत करती है इसलिए चुप बैठी रहती है। तुम चार बंदों के सामने इसकी इज्जत उतार देते हो। ये चुप बैठी रहती क्योंकि इस बिचारी को बचपन से ही संस्कार दिए जाते हैं कि अपने मर्द की तुमने इज्जत करनी है, मर्द तुम्हारा भगवान है। और ये भगवान मानती है, भगवान तुम खुद मत बनो। भगवान वो है जो सब पे दया करता है। शर्म नहीं आती तुमको, अपनी ताकत दिखाते हो, हाथ तक उठा लेते हो तुम अपनी औरतों पर। पर मैंने तो आज तक हाथ नहीं उठाया। तो अब भी उतार ले, अब भी मार ले। ये मारने से कुछ कम है जो तुम उसको मेंटली मारते हो, मेंटली टॉर्चर करते हो तुम। हद होती है यार, एक औरत तुम्हारी इज्जत करती जाती, तुम उसको मेंटली मारते रहते हो, कभी हाथ से मारते रहते हो। और जितना दर्द 20 हड्डियों पे टूटने पे होता है ना, उतना दर्द लेके ये बच्चा पैदा करती है। इस दिन के लिए ये मर्द को पैदा करती कि मर्द उनके साथ ऐसा बिहेव करेगा? क्या सोचती है कि तुम्हें समझ में नहीं आता? बोल ना, अब चुप क्यों बैठा है? हद है यार, अब क्यों चुप है? अब बोल, अब बोल, अब मैं सुनना चाहता हूं क्या बोलिए। लफ्ज ही नहीं मेरे पास। बचपन से समाज ने यही सिखाया कि तू आदमी है, स्ट्रांग मैन, औरतों से सुपीरियर, यू आर ऑलवेज राइट। तुझे औरत की तरह रोना मना है, पर यह नहीं सिखाया कि अगर तू मर्द है तो औरत को रोने मत देना, ना ही कभी उसे रोलाना। मैंने अपनी पत्नी को बहुत दुख दिए हैं, मैं बहुत शर्मिंदा हुई यार, शर्म आ रही अपने आप पर, लानत है ऐसा मर्द होने पर। वो तो है यार, वो तो है, यही तो प्रॉब्लम है। हम दुनिया के कहने पे आ जाते हैं, दोस्त हमें सिखाते हैं, अरे तेरी शादी हुई है, औरत पर हुक्म चला के रखना तो ही आगे बढ़ेगी है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यह कि एक औरत ही औरत की दुश्मन है। सास भी अपनी बहू का साथ नहीं देती, जो बेटा उसका जोर चलाता रहता है उसको साथ देती है, बोलती हाँ ताकत दिखा। यही तो प्रॉब्लम है यार। पर एक बात याद रखना, असली मर्द वो नहीं है जो अपनी ताकत दिखाए, असली मर्द वो है जो अपनी ताकत को कंट्रोल करे और एक औरत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले, ना आगे ना पीछे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि औरत भी सिर पर चढ़ जाए, नहीं, प्यार से एक साथ चलना है। एक साइकिल देखिए दोस्त, साइकिल जब घूमती है ना तो उसके दोनों पहिए एक साथ घूमते हैं तो ही वो साइकिल आगे चलती है। जिंदगी भी वही साइकिल है, तुम ज्यादा फूलोगे तो फटोगे, साइकिल नहीं चलेगी, ये याद रखना। कंधे से कंधे मिलाना, इक्वल चलना, यही मर्दानगी है, समझ रहे ना यार। आपने ना भाई साहब मेरे हक की बात की है, मेरा दिल भर आया। आपकी बीवी कितनी खुश नसीब है कि उसे आप जैसा पति मिला। और औरत ना उसी से प्यार करती है जिसके साथ ब्याह कर आती है, पर उस आदमी की रिस्पेक्ट करती है जो उसे अपने साथ कंधे से कंधा मिला के चलने लायक समझता। पर आज मैं समझ गया हूं, औरत का सेल्फ कॉन्फिडेंस ही सब कुछ है जिसकी मैंने कभी परवाह नहीं। सही कहा दोस्त, ये जो कमियां ये है नहीं है, ये हमारे समाज ने बना के रखी हुई है और हम अपनी इज्जत बनाने के लिए प्रेशर यहां डाल देते हैं इन बिचारियों पे। सही कहा राजे, बहुत अच्छा कहा तुमने। आज के बाद तुम मुझे सिर्फ प्यार ही नहीं करोगी, मेरी इज्जत भी करोगी। क्या बात, गर्व करोगी। और इस इंसान की रिस्पेक्ट करना कभी मत भूलना, उसने तुम्हें इतनी इज्जत दी है और खास तौर से मुझे औरत की इज्जत करना सिखाया, यही है असली मर्द, असली सरदार जी। अरे यार तू तो यार ऐसी बातें मत कर, तू रिस्पेक्ट नहीं, मुझे जब भी पाओ यार। आजा यार, जब भी पाओ। आज तू बना असली मर्द है। अच्छा, अब तो भाभी हमारे साथ ग्रीन टी पी सकती है ना? बिल्कुल पी सकती है यार। भाभी अपना काम, चल बैठ चाय पी। आजा। वुमन एम्पावरमेंट, आप भी सपोर्ट करते हो ना? सपोर्ट करते तो प्लीज क्लिक ऑन लाइक, सब्सक्राइब
और शेयर करना तो बनता ही है। आप बिल्कुल बनता है, शेयर करेंगे सब करेंगे, शेयर करना भाई जरूर, शेयर कीजिए। और जब तक आप जाके ना ग्रीन टी बनाइए हमारे लिए। अरे हाँ आप ये बात सही की भाभी, नहीं तो फिर वो मैं चूहा बना दूंगा चूहा। हाँ नहीं तो फिर आर ए टी चलो 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 चलो।